सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। और अभी मैं आ चुका हूँ मौसी के यहाँ से निकल के अपने घर की साइड, मतलब अपने रूम की साइड। और फिर आज है लखीमपुर जाने का प्लान, लेकिन कंफर्म नहीं कितने बजे, क्योंकि कुछ एक पहले मीटिंग है, वो मीटिंग अरेंज करनी है। फिर उसके बाद अरेंज से मतलब मीटिंग अरेंज है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा देखना है कि कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं, वो मीटिंग निपटाते हैं। चलते हैं, देखो दरवाजे बजना, नूप डर जाएगा। क्या हो गया नु? यही जलाए यार, छोटू उधर जला लो यार, मंदिर के रहे तुम तो कान पे जला रहे हो छोटू। मैं यही विंडो पे काम कर रहा था लैपटॉप पे, यही पटाखे फोड़ रहे हैं। दो तीन बार फोड़ दिए मैंने, अब खत्म होंगे, अब खत्म होंगे, खत्म ही नहीं हो रहे। चलो खैर, सुबह का टाइम है तो क्या ही हो सकता है, बच्चों का यही रहता है दिवाली के आसपास पटाखे फोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो यार वैसे तो दिन भर से व्यस्त था मैंने ही रही काम में, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं लखीमपुर की साइड, जाते जी लेने के लिए आ चुके हैं। लेकिन हमें जाना है दूसरे चौराहे पे, क्योंकि इंटीरियर में आजकल दिवाली की वजह से ऑफकोर्स भीड़ ज़्यादा लग चुकी है, जिसकी वजह से आने में उन्हें इतना टाइम लगेगा, उससे कम में तो हम ही पहुँच जाएंगे। बाहर बस निकलते हैं, वहाँ से बैठते हैं और ऑफ टू लखीमपुर। यार यहाँ तो लग चुका बहुत तगड़ा वाला जम, अरुण भैया फोन निकले गए, आगे चलते हैं देख कर। अरुण भैया का यही है भाई, कहीं भी उतर के एकदम जलवा दिखा लेते हैं अपना। देखो चौड़ में भाई पुलिस वाले लगे हुए, तो उन्हें हटा के अरुण भैया ने निकलवा दिया। नीचे देख रहे हैं खटिया का सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है, ऐसे खोल दो तो नीचे खटिया सोने का बिस्तर रेडी। अजीब है भाई सिस्टम, देसी जुगाड़ चलते हैं। प्रणाम दादी, क्या हो गया? मम्मी रो क्यों रही हो? मेरे आने की खुशी, करेला बना दो किसी दिन, खिला दो करेला, करेला बना के खिला दो। चलो कोई नहीं, खा लेंगे बैंगन भी खा लेंगे। यार फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं ना, और ऐसा हो रहा है अभी को थकान सी लग रही है। मैं तो रात में भी नहीं सो पाया था, फिर सुबह भी काम भी लगा हुआ था, फिर दोपहर में भी काम था, और शाम को तो फिर आपको पता ही है ट्रैवलिंग में कहाँ ही इतना हो पाता है सोना होना। बातें करते हुए आ रहे थे हम रास्ते पर, फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, बच गया अभी खोपड़ी टूट जाती टकरा गया, फिलहाल जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए, मैं उसके बाद आता हूँ। फिर थोड़ा बहुत लेट हुआ शायद, वैसे टाइम तो मिलेगा। और घर आते ही पहला काम जो मिला है वो है झालर लगाने का, ऑफकोर्स, क्योंकि यार हर किसी की झालरें लग चुकी हैं यहाँ पे, हमारी ही रह गई है, कोई लड़के घर पे थे नहीं, अब आ चुके हैं झालर लगाने के लिए जा रहे हैं। पहले तो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, फिर चेक करनी पड़ेगी, बहुत लंबी प्रोसेस है, फिर मिल गई खैर। पर उन भैया और हम ही लगा लेंगे सटासट, बाकी अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बाकी लोगों से भी बोलेंगे। नारंगी भाई, लेकिन खट्टा होगा भाई, अभी भी खाने में ट्राई करके देखेगा कैसा खट्टा है। मैं तेरी शक्ल पे लग रहा है भाई, हजम कर गया और कुछ नहीं है। सही बता कर तो देखो मीठा हो रहा है भाई, अबे नशा छोड़ दिया उसमें। अभी भी इसे खट्टा लग रहा हूँ, अंदर दबा के बैठा हूँ भाई। टेस्ट तो करके देखो कैसा हो रहा है, लो ये खाओ उसको। हाँ देखिए आप लोग को मैं दिखाऊं तो यहाँ झालर लग गई है, वो लग गई है, वो लग गई है। दिवाली की यही खास बात है, ये झालर लग गई है सब। त्योहारों का यही है यार, भले ही थोड़ा सा जोर कम हो गया है लेकिन फिर भी। तो यार बस अभी झालर लगा के नीचे तो आ चुके हैं, अभी जाना है मार्केट, चलते हैं नहा लो उससे पहले, और भूख भी लग रही है यार फिर तो जोरों वाली।
यार नहा के तो मैं रेडी हो चुका हूँ, जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि भाई भूख लगने लगी है बहुत तगड़ी वाली। इसके बाद जाना मुझे मार्केट मम्मी को ले जाने के लिए क्योंकि आज है धनतेरस और ऑब्वियसली इसी शॉपिंग के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आना पड़ेगा ना। यूटेंसिल ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में आते थे और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास घरों में यही आता होगा कुछ ऐसे ही मुझे लगता है। फिलहाल अभी जाकर देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं। खा लेता हूँ, आज स्पेशल मम्मी ने कुछ बनाया तो वो अभी नहीं दिखाऊंगा, आके खाने के बाद दिखाऊंगा। ये बस एक आध रोटी में खा के निकलने वाला हूँ, इस वजह से मैं बोला चलो फटी से निकलते हैं। वही तो सबके सभी निकल गए एक साथ ही और फिर हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग, जिसको जो करनी होगी वो करता रहेगा अपने हिसाब से। अच्छा मुझे नहीं पता था मतलब धनतेरस की शॉपिंग में मतलब इतना वो ओवर होकर जाना पड़ता है। मैं तो नॉर्मली यार ये टी शर्ट लोअर और मस्त। अभी रिक्शा में हम लोग आ तो गए थे लेकिन दिक्कत ये पड़ गई थी पीछे बैरिकेडिंग हो रखी है, देखो वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, ई रिक्शों को नहीं जाने दे रहे अंदर, अब नहीं जाने दे रहे, जा भी सकते हो। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, तो ऐसी बैरिकेडिंग कर दी है मतलब एंट्रेंस की जगह पे, तो किसी को इसके बियॉन्ड जाने नहीं दे रहा। सही भी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है क्योंकि दिवाली हो और लाइटें ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ज़रा फेस्टिव सीजन है ना और यहाँ पे तो इन सब पे तो ज़्यादा ही बिक्री होती है गोल्ड वगैरह की, तो इसलिए इतना ज़्यादा सजाया हुआ है जैसे कि बारात आ रखी होगी। तो सही बताऊँ ना एक्सपेक्टेड भीड़ मुझे बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, लेकिन उस तरीके से भीड़ है ही नहीं। आज इस बार बहुत अच्छा किया लोगों ने भी, 3 जगह बैरिकेडिंग किया यहाँ आने के लिए, तो उससे भी थोड़ा ट्रैफिक उस वजह से भी कम है कि गाड़ियाँ कम आ रही हैं। आगे तो भीड़ दिख रही है, लोग ज़्यादा हैं आगे, आगे चल के दिखाता हूँ। बाकी सब कुछ ले लिया हम यहाँ पे, ये जो दिवाली का चूड़ा वगैरह होता है ये सब लेने के लिए आ रखे हैं हम मार्केट में। तो यहाँ पर तो ये वाली मार्केट है प्लस कपड़ों वाली भी है, थोड़ा बहुत कपड़ों का है और उधर देख रहा हूँ वो पीछे से वहाँ आता है, फिर इसके बाद आगे सब्जी मंडी जुड़ जाती है। देखो सारा सामान लेते हुए हम लोग आ चुके सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं। शॉपिंग तो सारी की सारी करवा दी है, इसके हाथ में पीछे बच्चा खड़ा हुआ, उसके हाथ में पटाखे चल रहे और इसकी होता है बच के रहना है। जिस बच्चे को मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसके पटाखे की गिट्टी आगे सीधे गर्दन पे लगी यार मेरे, देखो हल्का लाल सा हो गया। तो भाई रिकॉर्ड करने से भी बच के रहना, फोड़ने से नहीं सर। यार मार्केट में भीड़ इतनी तगड़ी है और उसके ऊपर से इतना शोर मच रखा है भाई, लेकिन हाँ सही है उसके हिसाब से अंदर शूट कुछ नहीं कर पाया दुकान में बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत लोग थे और लड़कियाँ भी थी यार, फिर ऑफेंड हो जाते हैं ना कुछ लोग शूट करने के लिए। मेरे साथ ऐसा हालांकि हुआ नहीं है कभी, लेकिन फिर भी इनकेस कभी हो जाए तो मुझे एम्बैरेसमेंट मिल जाएगी, तो उससे बेहतर है कि मैं लोगों को शूट ना ही करूँ। तो बेहतर बस निकला है मेन रोड, तो मिठाई वगैरह लेना बचा। शॉपिंग वॉपिंग तो सब कुछ निपट चुकी है और हम आ चुके हैं घर पे, सबने खाना खा लिया बस मैं ही बचा हूँ, मैं कुछ काम में बिजी था, अभी वीडियो एडिट नहीं करी फिलहाल, मैं जाऊँगा थोड़ी देर बाद वीडियो एडिट करूँगा। गेट लॉक करना है, लाइट भी बंद कर देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं खाना खा के जाऊँगा काम पे और फिर उसके बाद सो जाऊँगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।